हमने ध्यान नहीं दिया, जितना जितना हम एडिक्शन में गए उतना उतना उन लोगों चीजों के प्रति हमारा ध्यान खत्म होता गया। हमने उनको कंसिडर भी नहीं किया, हमने उनको देखा भी नहीं, वो चीजें जैसे थी नहीं, वो शब्द जैसे थे नहीं। नंबर वन। दूसरा उसने बोला कि अपने जीवन शैली के मापदंड सेट करना, लेकिन मापदंड दे दिया उसको, मापदंड तो है ही नहीं है। मापदंड तो हो गया बेचने पर, जी मैंने आज 10 में से 6 झूठ बोले, ये मेजरेबल हो गया। मैंने 6 दफा ईमानदारी की। मैं और उसके बाद जब वो डॉक्टर से क्या लेंगे और वो
स्टेज जिसे कहा जाता है वो काफी स्ट्रॉन्ग एक पिलर की तरह होता है जो किसी का भी बोझ हम उठा सकते हैं, वो परिवार का बोझ हो, बच्चे का बोझ हो, या अपने माता पिता का बोझ हो, किसी का भी बोझ हम उठा सकते हैं। इसीलिए हमारी ड्यूटी है पेरेंट्स के लिए, उन्होंने हमारे बचपन से लेके अभी तक 30 ईयर्स तक बहुत कुछ किया है, और मतलब जो कि हम उसके इन रिटर्न जितना भी करें वो कम पड़ेगा। बाकी लोग देख रहे हैं इसमें क्या, बाकी दुनिया जैसे देख रही है सर, हमारी जवानी आती है, बुढ़ापा आता है, आगे वाली जो आने वाली पीढ़ी है वो देख रही है कि इसमें होता क्या है, हम आप अच्छा कर रहे हैं। अपने रिकवरी के लिए आए, अपने व्यवहारों पे काम कर रहे हैं, तो हमें